डायरेक्टर ने पता नहीं कैसी स्क्रिप्ट लिखी है। पहली बार तो ऐसे डायरेक्टर का मैं नाम सुनना ओम राउत। मूवी तो इसको नहीं बोलेंगे, मूवी ऐसी नहीं होती है, ये तो समझो एक खेल है। भाई कैसा लगा? यार मूवी अच्छी नहीं लगी। यार मूवी अच्छी लगती क्या? जो हमने पुरानी देखी थी बच्चों वाली वो तब ठीक है। बच्चे भाई बच्चे कार्टून फिर सही लग रहे थे। कार्टून फिर से दिल मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस पिछला ब्लॉग देखा होगा, घर पे चल रही है यज्ञ, घट यात्रा में भी गए थे। फिलहाल अभी आज फिर हम और अमन भाई अभी निकलने वाले हैं। पहले जाएंगे बैंक और बैंक से आके फिर आप लोगों को डेली से अपने दिन का शेड्यूल बताते हैं। पहले बैंक जाके बैंक का सारा काम करवा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस हम और अमन भाई दोनों लोग निकल चुके हैं घर से। अब घर से पहुँचते सीधा बैंक और बैंक से बैंक वाला सारा काम करवा के फिर वापस मिलते हैं घर। कैसी लग रही तुमको गाड़ी? कैसी गाड़ी? बढ़िया लग रही, लेकिन भाई पीछे वाला उड़ दिया है। पीछे वाला बैठे वाला दादा तो जान ले, जान नहीं कर दिया। हाँ जान ना ही भगवान ने रखा। कितने को ये गाड़ी है भैया? यू ना बता दीजिए लगभग। अरे ये कम से कम हो ही 2.5 लाख में। 3.5 लाख के थे। 3 लाख का घोड़ा है। हाँ जब इसकी सर्विस कराना होता है ना, एक्सीलेटर की तार नहीं है इसमें। ये देखो गाइस, कुछ लोग हमसे मिलने के लिए मेरी बैंक तक आ जाते हैं। गाइस क्या सेल्फी लेनी? बिल्कुल भाई, अभी सेल्फी लेने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। पेड़ के ऊपर चढ़ा भाग। ये देख उतार 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 पकड़ पकड़ बंदे भाग रहे, ते भाग जा रहे। गाइस जस्ट जोक था, बाकी कोई डरा रहा नहीं रहे, तो मैं मजाक में ऐसा किया हम लोगों ने। फिलहाल आ चुके हैं अपने घर पे। अभी अब थोड़ी देर आराम आराम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही बाहर। धूप आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल धूप ही धूप है। तो अभी थोड़ी देर आराम आराम करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चेक दिस आउट, फिलहाल हो चुका हूँ रेडी और शो के अंदर बैठे हैं। 3 बजे से हमारे वहाँ यज्ञ होने वाली है। सामने हो रही है यज्ञ, यहाँ पे होगी सी यज्ञ, ठीक है। और गाइस अभी हम यहाँ से रेडी होके थोड़ा काम से जा रहे हैं बाहर। और काम क्या है वो अभी हम वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं। बस कुछ नया लॉन्च हुआ उस पर कुछ कंटेंट देने के लिए हम जा रहे हैं। वहाँ पे माइक की बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, तो इसलिए हमने आपसे कुछ बताया नहीं। तो गाइस यज्ञ हमारे वहाँ 15 से स्टार्ट हो गई थी। 15 को हम लोग घाट भरने के लिए गए थे। आज 17 तारीख हो गई है और 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक चलेगी यज्ञ। 21 को समापन होगा, उसमें भंडारा होगा। जो भी नियर बाई से मेरे लोग ब्लॉग देख रहे हैं, आप सभी वहाँ पे आ सकते हैं, सभी का दिल से स्वागत है। और गाइस श्री राम कथा है, श्री कृष्ण कथा है, तो किसी को सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जो भी लोग आना चाहते हैं सभी का स्वागत है। और अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वो चीज़ हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि हम लोग हम कहाँ जा रहे हैं। कि धूप में एक कोई नया कंटेंट शूट करने के लिए विष्णु भाई ने कॉल किया था कि अभी ट्रेंडिंग कंटेंट है, हम लोग उसको शूट करने के लिए कवर करने के लिए जाने वाले सीतापुर। तो वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और गाइस देखो कौन है भाई अपना। हेलो भाई। हेलो, कैसी है? और कैसे हैं सभी लोग भाई? अब हम लोग जहाँ भी जाने वाले हैं वो चीज़ हम वहीं पे दिखाएंगे चल के। अभी तक की मैंने अपनी पब्लिक को बताया नहीं कि हम लोग जाने वाले कहाँ हैं। बता देना था यार भाई। अब पहुँच के वहाँ डायरेक्टली दिखाते हैं आप लोगों को और फिर मिलवाते हैं लोगों से। ये चलते हैं। दिस आउट गाइज, फिलहाल तो आ चुके हैं SCM सिनेमा। तो गाइज यहीं पर काम था अपना, काम ये था कि अभी हम लोग कौन कब आई है नहीं लिया टिकट, टिकट नहीं लिया। ये था कौन सी मूवी आई है? आदिपुरुष। आदिपुरुष गाइस, आदिपुरुष मूवी आ चुकी है। तो हम लोग आदिपुरुष को बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अब देखेंगे। 16 को लॉन्च हुई थी, आज 17 है। तो आज हमने सोचा कि आदिपुरुष देख लेते हैं। तो विष्णु भाई अभी टिकट ले लेता अपना और फिर उसके बाद में अंदर चलते हैं, फिर आपको आदिपुरुष के कुछ सिनेमेटिक्स दिखाते हैं। गाइस लेट हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों को जो टिकट्स मिली हैं वो आगे की रो में मिल गई हैं। तो इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा देखने में, बड़ा गाइस मज़ा तो आएगा क्योंकि पूरा हॉल भरा हुआ है। तो आज लोगों से लेंगे आदिपुरुष के रिव्यूज़ और फिर आपको अंदर सारा कुछ दिखाते हैं। तो गाइस फिलहाल हम और अपना विष्णु भाई आ चुके हैं अंदर, साथ में हर्ष भाई हैं। तो अभी हम लोग अंदर पहुँच के मजा करने वाले हैं गाइस।
लोगों से मिलेंगे अभी वहाँ से निकलने के बाद, तब तो लोगों के रिव्यूज लेंगे। और फिलहाल देखो सारे लोग अभी वेटिंग में है। हम लोग किस में है? ऑडी ऑडिटोरियम नंबर 1 में है। चलिए फिर अंदर सीधा निकलते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस फिलहाल आ चुका था अंदर, तो गाइस जैसा कि नॉलेज में था कि एक्स्ट्रा बजरंग बली के लिए सीट छोड़ी जाएगी, कॉर्नर की कोई ना कोई सीट छोड़ दी जाएगी, तो वो गाइस पूरा हॉल देख लिया हम लोगों ने, वाली सीट मिली ही नहीं यहाँ पे। गाइस इसी वजह से गलत है कि बोला गया था तो वो चीज़ होनी चाहिए थी। प्रेरणा स्रोत के रूप में इस महाकाव्य का उपयोग किया गया है। स्टार्टिंग तो इतनी अच्छी हो रही है, लग रहा है मूवी भी अच्छी होगी। ये सारा VFX की यूज किया गया है, सारा एक ही कमरे में क्रोमा पे किया गया है। ये क्या है? सत्य रेखा, जब तक हम इसके अंदर हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखा रहे गाइस भयंकर था भाई, कसम से यार ये ऐसा सीन कभी आज तक रामायण में हुआ ही नहीं था भाई, जो ये लोग दिखा रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कसम से गाइस खून खोल गया एकदम मूवी देख के। भाई से जानते हैं मूवी का रिव्यू इंटरवल तक की। भाई इंटरवल तक का रिव्यू अगर हम आपको दे तो यार डायरेक्टर ने पता नहीं कैसी स्क्रिप्ट लिखी है। पहली बार तो ऐसे डायरेक्टर का मैं नाम सुनना ओम राउत, ठीक रामायण जैसी फिल्म का डायरेक्शन किया। अभी जैसे इंटरवल खत्म हुआ है वहाँ पे क्या दिखाया कि उन्होंने तीर उठा के सीधे समुद्र देव पर टान दिया। यार पहले रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, कौन दिखाएगा? बहुत सी कमियां है, बहुत सूर्यवंशम वाली उल्टी नहीं होती, वाली वो होने भाई कसम से। देखो नहीं देखो सनातनी है देखो, लेकिन जो लोग अभी तक की नहीं देखे गाइस कभी भी बस देख लेना इसी मूवी को, बॉयकॉट करिए आप लोग। बहुत ही भद्दी यार कसम से, अब मैं क्या बताऊँ, सब गलतियाँ डायरेक्टर को सोचनी चाहिए ऐसे कैसे कि भाई सनातनी है गाइस, आप लोग समझिए एक तरीके से बिल्कुल अपने धर्म को। आप भी देखिए गाइस, देखिए फिर आप लोग समझिए उसको। टट्टी दिखाई दी डायरेक्टर की, आपको भी दिखाई देनी चाहिए। जय श्री राम। होने वाला है खत्म, अब हम लोग अंदर जाते हैं, पहले ले लेते हैं यहाँ से कॉफ़ी और फिर अंदर पहुँचते हैं, फिर इंटरवल के बाद वाली मूवी मतलब जो भी है देखते हैं। मूवी तो इसको नहीं बोलेंगे, मूवी ऐसी नहीं होती है, ये तो समझो एक खेल है। बहुत कसम से दिल से गुस्सा आ रही है भाई, बहुत कंट्रोल किए वो गाइस। आप लोग भी टाइम मिले तो देखना, बाकी इतनी कोई खास मूवी नहीं है जो आप लोग देखने आओ, बाकी टाइम मिले तो देखना, क्योंकि हम इसको क्यों इतना ज़्यादा बाइकआउट कर रहे हैं, आप लोग आके इसको खुद ही देख लेना गाइस। कूड़ा दिखा रहे हैं, कूड़ा वो नहीं तू है, क्या चिल्ला रहा था वहां सो सो और क्या करता, टूटती ही नहीं। तेरा होने से पहले खून जरा रहे मेरा, कसम से बता रहा हूँ भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा यार विष्णु भाई। हम जा रहे हैं पहुड़े, हम भी गोल्डन टीम का आराम फील कर रहे हैं भाई। खून जल रहा मेरा, बहुत तगड़ा वाला खून जल रहा है।
अब क्या होता है गाइस, आप लोग ना आना भाई कसम से भाई, लास्ट तक क्या चेक करो मूड की ऐसी की तैसी पूरी तरीके से हो चुकी है। क्यों भाई? हाँ अरे भाई गाइस मूड की बिल्कुल ऐसी तैसी हो चुकी है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। लंच के बाद वाला रिव्यू फिर से लेते हैं भाई से। तो भाई कैसा लगा? अरे यार उल्टी पलटी टट्टी दस सब आ गए, इतना झूठ। भाई कैसा लगा? यार मूवी अच्छी नहीं लगी यार। मूवी अच्छी लगती क्या? जो हमने पुरानी देखी थी बच्चों वाली वो सब ठीक है। बच्चे भाई बच्चे कार्टून फिर सही लग रहे थे। कार्टून फिर से लेजेंड ऑफ हनुमान के एपिसोड आप देख लो वो ज्यादा बेटर है भाई। चीजें दिखाई नहीं गई बहुत ज्यादा, कहाँ तक बोले समझना चाहिए डायरेक्टर होके। गाइस जो भी लोग अगर आके देख चुके हैं मूवी उनको तो पता ही होगा, बाकी जो लोग नहीं आए गाइस मेरा तो एक ही सजेशन ओपिनियन रहेगा कि आप लोग मूवी देखने ना ही आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका खून खौलेगा अगर आप हिंदू हैं, अगर आप रामायण को जानते हैं तो आपका खून जरूर खौलेगा। तो गाइस बाकी तो बुरा फील हो रहा है यार गाइस, ऐसे मतलब मेरे हिंदुस्तान में मेरे भारत में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, कसम से खून खोल गया यार मूवी देख के भाई। रावण को जाना जाता है कि वैसे कास्ट भाई वो था ब्राह्मण था, ब्राह्मण वो नॉनवेज खिला रहा सोचो। ये तो है रावण एक राक्षस के साथ साथ एक ब्राह्मण भी था। ऐसा मत करो और वो जा गया ना तो फंस देगा तुम्हारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी तैसी वार्ड लगा देगा। ठीक है भाई बाय बाय कॉल पे होते ठीक है। गाइस गाइस ऐसा सीन तो कसम से खून खौला देगा आपका। गाइस प्लीज बॉलीवुड सही से रहिए, क्योंकि अगर एक बार हिंदुस्तान जग गया ना तो आपकी वोट लगा देगा बॉलीवुड। मतलब इंडस्ट्री चाहे जितनी बड़ी हो हिंदुस्तान से बड़ी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और हिंदुस्तान की जनता से बड़ी कुछ भी नहीं है भाई। क्या ही बोलेंगे भाई इस मूवी के बारे में? कुछ नहीं बोलना यार मजाक हर चीज का मजाक नहीं बनाना चाहिए इंसान को, हर चीज का नहीं, किसी के धर्म को लेके तो कतई मजाक उसका नहीं बनाना चाहिए। आई होप शायद जो भी स्क्रिप्ट राइटर था या डायरेक्टर था हिंदू ही था। हाँ ओम रावत, ओम रावत हिंदू ही था शायद। तो गाइज उनको तो कम से कम अपने रामायण की नॉलेज होनी चाहिए थी, उन्होंने तो ऐसी स्क्रिप्ट बना दी कसम से गाइज खून खोल उठने वाला वीडियो व्लॉग, मतलब जो भी मूवी वगैरह दी है, मूवी तो इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि मूवी आज तक की हम लोगों ने पहली बार ऐसी मूवी देखी है, इसको मूवी नहीं इसको मजाक ही बोलेंगे गाइस। और मैं रिकमेंड करूंगा यार मूवी आके देखो तभी तुम लोग जान पाओगे कि क्या रियलिटी है क्या नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसे हम लोग कितना ही रिव्यू देते हैं यार, हर चीज की फीलिंग्स थोड़ी अपनी उसमें डाल देंगे। बाकी मैं तो सोच रहा था कि गाइस पैसे ना ही आप लोग वेस्ट करें, बाकी जब भी किसी फ्री वाले OTT पे आए मूवी तब देखें आप लोग। आप लोगों को जो भी सजेशन वगैरह लेने हैं तो अपने जो लोग मूवी को देख चुके हैं उनसे ले। बाकी गाइस कूड़ा मूवी है भाई, आदि पुरुष नाम दे के कसम से बिल्कुल। उसका व्हाट्सएप नंबर है हाँ। तो गाइज प्लीज़ ऐसा ना करें आप लोग भाई। अगर भारत की जनता जाग गई, मैंने पहले भी बोला कि अगर इंडिया की जनता जाग गई तो कसम से बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ है पब्लिक से ही है। अगर पब्लिक बस ये है पब्लिक जागती थोड़ा लेट है, अब इसको देखा है बाइकआउट कर रहे हैं लोग, इसके पहले आज तक की ऐसा सीन नहीं हुआ है। तो गाइस बी अलर्ट एवरीवन। गाइस क्या ही बोले अब, चलो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और थोड़ा गुस्सा भी आई होगी। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, और गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।